आज तारीख है 9 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 08:19 PM। देखिए अभी कुछ ही देर पहले जो है मैंने ट्वीट करके अरुषि की लास्ट फोटोग्राफ वायरल करी है डिपार्टमेंट्स को, जब उसको निठारी में होस्टेज रखा गया। और फिर बाद में उसको निठारी से जो है ताज होटल्स के एक होटल में, जो कि धौला कुआं के पास है, ताज होटल में लाया गया। और वहाँ उसकी जो है क्या कहते हैं फाइट WWE के नामी ग्रामी फाइटर द ग्रेट खली से हुई। और उस फाइट के दौरान दो बार उसको लाया ले जाएगा। पहली फाइट के दौरान अरुषि के सेंट्रल केज रिप्स तोड़ दी गई, बाद में वो ठीक हुई, फिर दोबारा गई। उस दौरान उसके साथ जो है क्या कहते हैं बहुत ही बर्बरता की गई। जो भी है, एक्चुअली जो मुझे लगता है वो ये है कि उसको फोर्स किया गया। लड़कियों के बीच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो खली है, जी हाँ, WWE का जो फाइटर है खली जो है, वो आप यकीन जानिए वो ऐश्वर्या राय का बॉडीगार्ड है, वो उसका कहना ये है। ठीक है, मान ली बात आपकी। उन्होंने एक बात पूछी मेरे से, हॉटलाइन पर बात होती रहती है हमारी, मेरे हॉटलाइन हमेशा ऑन रहती है। खली साहब का ये कहना है कि भाई आप इस बात का फैसला करो, मैं शुरू से जो है ऐश्वर्या राय का बॉडीगार्ड रहा हूँ, कहीं भी कोई बात होती है तो उनके कहने पे ही जो है जो कुछ भी हुआ है। अरुषि थी या कोई भी थी, उसको अगर मारा तो ऐश्वर्या राय के कहने पे ही मारा गया है। 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं की हत्या की गई है, और वो करने वाला और कोई नहीं है, खली है। मेरा आपको एक जवाब है सर, आपने मेरे से पूछा कि अच्छा आप हितेश आप बताओ, बहुत खुशी की बात है आप भारत सरकार SPG हैं, हालांकि मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधा लिखा यू वर्क फॉर ऐश्वर्या राय। आप भारत सरकार SPG हैं, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका। पर एक बात मैं ये कहूँगा कि अगर बात ऐसी थी तो यू हैव टू यूज़ द पुलिस। इफ़ अरुषि वॉज अ थ्रेट टू ऐश्वर्या राय, यू शुड हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। ये अगर अरुषि ऐश्वर्या राय के लिए खतरा थी तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और इतनी सिक्योरिटी का बात, किसी की हत्या की जरूरत नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं था, वो एक इवेंट था जिसमें सबने एंजॉय किया, खाया पिया, मस्त रहे, और यू आर द पार्ट ऑफ दैट इवेंट, और कोई बात नहीं। ठीक है, इसलिए जो है क्या कहते हैं ये कहना आपका कि ऐश्वर्या राय के लिए किया और ऐश्वर्या राय के आदेश पे किया, तो उस इवेंट में तो ऐश्वर्या राय भी पहुंची है। उस फाइट में 250 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि निठारी के अंदर वो 3 महीने पहले किडनैप करके लाई गई है, और उसके बाद निठारी से उसको ताज होटल लाया गया। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये आप जिसको आप ऐश्वर्या राय समझ रहे हैं, आप जानते हैं कौन है, कैनिबलिस्ट है आप तो गए, ये तो भीतर जाएगी। आप भी गए सर, कोई भी बात थी, कुछ भी था, आप पुलिस को इन्फॉर्म करते। आप इनको ऐश्वर्या, देखिए SPG गार्ड्स का काम क्या है कि मौका है वारदात से अपने गेस्ट को लेके निकल जाना। हाँ, उस दौरान अगर हमला हुआ है तो आप फायरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो शो ऑफ फाइट है ना, जो पिक्चर बना दी कि आ जाओ लड़ ले, और वो लड़की आपसे कमज़ोर है या आपके सेहत की नहीं है, और फिर उसको आप एरिना में पटक पटक के मार रहे हो, फिर बाद में उसके साथ जो है सबके बीच में जो है क्या कहते हैं उसके साथ फोर्सफुली सेक्स भी किया गया है, वो करने वाले आप ही थे सर। मैं भी तो सुनूँ, कौन सी ट्रेनिंग है सर SPG की?
मैं भी तो सुनूं, कौन सी ट्रेनिंग है सर एसपीजी की है, कौन सा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे रहा है सर आपको? ये कोई तो होगा, कौन कौन लोग हो सर आप? भाई आपने कहा भारत सरकार एसपीजी है, भारत सरकार एसपीजी मैं भी हूँ, 1437 है मेरा बेल्ट नंबर, मैं भी हूँ, मैं तो एक एक चीज की रिपोर्ट भेजता हूँ, मैं तो नहीं करता किसी पे हमला। नहीं जवाब तो आपको देना होगा ना, भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट जवाब देगा ना, ये सवारी सूट पहन करके जा रहा 30 मार्का बन रहे, भाई कौन सी किताब में लिखा है? ऐसा क्या खतरा पैदा हो गया उससे, जो उस दिन रात को ताज में अरुषि की हत्या करने के बाद जब पुलिस के पास वायरलेस आया है कि ताज में एक लड़की की हत्या हो गई है, तो वहां से स्मृति जुबिन ईरानी और बाकी लोग सारे जो है मंत्रालयों में गाड़ियां भगा रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा कांड हो गया और ताज होटल मिल गया आपको। एक्चुअली कुछ नहीं था, मैं इसका रहस्य बता देता हूँ। ये एक मामला था जिसकी ऐश्वर्या राय बच्चन, जो आज ऐश्वर्या राय बच्चन है, ये लोग कुछ नहीं जो है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स खरीदना चाहते थे, और क्योंकि ताज जो है वो साझा का खजाना है, वो नहीं मिलने वाला सर, आप जानते ही नहीं हो खेल क्या है। और कोई बात नहीं, इसीलिए जो है आप लोग ऐसी जगहों पर जाके इस तरह के इवेंट और इस तरह की हत्याएं कर देते हो ताकि वो एरिया सील किया जा सके। जैसे होटल ललित जो कि नेताजी नगर में बना, उसको कब्जा करने के लिए जो है शशि थरूर ने जो है सुरेंद्र पुरस्कर की हत्या कर दी, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। नम्रता की हत्या में जो है क्या कहते हैं, एक चाइनीज मूवी के अंदर एक जो फाइटर है उसकी फाइट कराई गई नम्रता से, और मरियम नवाज शरीफ और बाकी सब ने जो है लाइव सेक्स देखा, और कोई नहीं है मैरियट में हुई है बताते हैं, फाइट तो मैरियट में हुई, बाद में उसको कैनिबलाइज किया गया। मैं भी तो सुनूं सर कौन है आप लोग, मैं भी तो सुनूं ट्रेनिंग क्या है आपकी। नहीं ये कौन सी ट्रेनिंग है सर, ऐसे कौन सी जगह ऐश्वर्य राय फंस गई थी? आप वहां पे 10 लोग मौजूद थे एक जैसी हाइट के, ऐसा कौन सा इवेंट था सर? यू मस्ट हैव टू सरेंडर। नहीं ऐसे 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 लोगों को हम एसपीजी गार्ड नहीं मानते सर, हमारा सिर्फ एक ही काम है, क्लाइंट को और गेस्ट को वहां से सुरक्षित निकाल कर लेके जाना, और कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा है जो गैर कानूनी है वो हम होने ही नहीं देंगे सर, हम तो फायरिंग खोल देंगे। गेस्ट को लेके निकल जाएंगे वहां से उसी समय, ये सब नहीं चलता सर। और अगर ऐसा गेस्ट है तो बिना देर करे पुलिस को रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा मामला है, और ये जो गेस्ट है जिसकी सिक्योरिटी में हमें भेजा गया है वो इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व है, तो आप जो है क्या कहते हैं इनकी एसपीजी सिक्योरिटी हटाने का आदेश जारी करें जी। हम लोग जो है चश्मदीद गवाह हैं और ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है, हर एक एसपीजी गार्ड के पास कैमरा भी होता है सर कि गेस्ट कहाँ है, कब है, कैसे है, उसको लाइव जो है क्या कहते हैं मीडिया में एक कैमरा, एसपीजी का भी कैमरा रहता है सर, बिल्कुल रहता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूज चैनल जो न्यूज चला रहे हैं वो मेरे एसपीजी कैम है सर, जो हाई रेजोल्यूशन है, बिल्कुल है सर। नहीं मैं भी तो सुनूं सर, अब मैं मरियम नवाज की हकीकत बता देता हूं आपको। नहीं ऐश्वर्या राय क्या है, 2 कौड़ी की क्रिमिनल है और क्या है, वो छोड़ो ना सर, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का टाइटल सिर्फ एक साल के लिए होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता, एक साल के लिए होता है सर टाइटल बस 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 बस, और मिस और एक साल के टाइटल के अंदर ही जो है उसको अच्छा काम करके अपने लिए एडवर्टाइजमेंट और बाकी चीज़ें कमानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता सर। फिर उसके बाद वो टाइटल सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट मिस यूनिवर्स के पास और मिस वर्ल्ड के पास चली जाती है। मैं आपको मरियम नवाज की हकीकत बता देता हूँ, अब मरियम नवाज शरीफ अपनी जो है क्या कहते हैं 30 साल की या 28 साल की उम्र में
मतलब आज से लगभग 12 साल या 11 साल पहले बांग्लादेश से भाग गई थी। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ बांग्लादेश में रंगे हाथ कैनिबलिज्म में पकड़ी गई थी। एक लड़की का बलात्कार हुआ, कई लड़कों ने किया, वो मरियम नवाज शरीफ की टीम के लड़के थे। ढाका के पास एक गांव है वहाँ पे, और उसमें जो है वहाँ पे उस लड़की को काट के खाते हुए मरियम नवाज शरीफ पकड़ी गई। और जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अब पता नहीं वो असली पुलिस थी या नकली थी, तो मरियम नवाज शरीफ का कहना ये था कि उसको भूख लगी है। तब बांग्लादेश पुलिस ने ये कहा कि ये लड़की बहुत काम की है और उसको 8 लाख रुपये दिए गए। उस 8 लाख रुपये को लेकर के वो पाकिस्तान रवाना हुई, और पाकिस्तान में आकर के उसको जो है नवाज शरीफ ने होल्ड लिया। जी हाँ, ये वही नवाज शरीफ है जिसने जो है बचपन में इस मरियम नवाज शरीफ की, जी हाँ, FGM करी थी, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इस महिला की के साथ एक और लड़की राबी पीरजदा का भी म्यूटिलेशन जो है नवाज शरीफ ने किया था। 11 साल पहले बांग्लादेश से भाग के आई भी ये वही मरियम नवाज शरीफ है जिसकी माँ का नाम शेख हसीना है। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो सर? ताज ग्रुप ऑफ होटल्स नहीं मिलने वाला आपको, चाहे कोई आ जाए, ये ताज आप जानते नहीं है कौन लोग हैं, मतलब द ललित जानते हो किसका है, हैं? मतलब सुनंदा पुष्कर की हत्या ललित में इसलिए कर दी ताकि पुलिस वाले जो है होटल सील कर देंगे, होटल को बदनाम करने के लिए। ऐसे तो सर होटल में कुत्ते बिल्ली पता नहीं कब कहाँ कैसे मर जाए, कौन जानता है, फिर तो जवाब ये आता है सर। और कोई इच्छा नहीं थी ऐश्वर्या राय की, ऐश्वर्या राय जो है धौला कुआं स्थित ताज होटल खरीदना चाहती, ताज होटल सर इनकी डील होती ही नहीं है, साझा ग्रुप का होटल है ये, जानते भी हैं आप ताज किसका है, साझा ग्रुप का है। वाह भाई वाह, मतलब एक दो कमरे किराए पे ले लिए और उसके बाद बॉल रूम के वो जो है मैंने उस इवेंट के फोटोग्राफ भी लगा दिए, मतलब अमिताभ बच्चन जो है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ एंटीक को ये मुंबई ताज पे जो हमला हो गया तो वो ताज मतलब रतन टाटा को मिल जाएगा। अच्छा जी, जूश था रतन टाटा और शाहजहा पता है कौन था, मुसलमान था वो। मतलब साझा ग्रुप का होटल आपको मिल जाएगा, आप जानते हो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिक कौन है? अब नहीं पता आपको साझा के खजाने का मालिक कौन है, पता है आपको? नहीं मालूम, उसका नाम जो है ना लिख लो कागज पे, HITESH हितेश MANDAL हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिक हूँ। वैसे आइए कभी, अपना भोजन वोजन कीजिए, चाय नाश्ता कीजिए, मना नहीं है, ये क्या करते हो आप लोग? आज के बाद अगर कभी किसी ने ऐसी हरकत करी ना तो हर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के बेसमेंट में ना 10 शेर पालूंगा, मंगाओ अब बढ़िया वाले मंगा, 10 शेर और टाइगर्स हम रखेंगे, लाइसेंस ले ले, उन्हीं को खिलवा दूंगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, अरे छोड़ना है पुलिस वाले, असली वाले शेयर रखेंगे हम। और कुछ नहीं था, इन नेताओं के मन में था शुरू से ही ताज ग्रुप ऑफ होटल्स लेने के चक्कर में। अरे भाई तुम्हें नहीं पता वो साझा ग्रुप का था पहले, ठीक है, अब साझा का खजाना मैंने ढूंढा तो अब ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिक मैं हूं। भाई कौन हो तुम लोग,
मार मूर खा जाओगे यार इस उम्र में, खली यार थप्पड़ पड़ पड़ जाएगा, ठीक बात नहीं है। पक्का मारेंगे मैं बता दे रहा हूं, बना नीचे बढ़िया से पिंजरे बना, हाँ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में, नहीं नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ले ले परमिशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन से, नहीं नहीं वो मेल फीमेल ले आ, मेल फीमेल ले आ, हाँ मेल फीमेल ले आ, बताओ यार आओ लाइगर आ रहा है इंडिया, दिल्ली जू वालों ने बोला तैयारी कर रहे हैं, करो सर मना थोड़ी है, आपके लिए मंगाया मैंने, मना नहीं कर, मजाक नहीं कर रहा वो हकीकत में, आप हो गए मौसम ठीक हो गया है अब आ जाएगा इंडिया, नहीं नहीं इंडिया इंडिया आ जाएगा, फ्लाइट्स भेज देते हैं आप, दिल्ली जू की परमिशन हो जाएगी तो मिनट में भेज देंगे, आपने कह दिया भेज दिया, ले आओ भाई लाइगर इंडिया, हाँ फुल फैमिली तैयारी कराओ। तो अच्छा खासा बड़ा है सर, वीडियो देख ली होगी आपने, नहीं नहीं है नहीं फॉरेन ब्रीडर्स ले लेंगे, पागल समझ रहे हैं ये लोग हमें, नहीं नहीं मैं दिखाता हूँ ना असली हाइट क्या है, लॉयंस लाने ताज ग्रुप ऑफ में, नहीं नहीं टाइगर्स नहीं, टाइगर्स कहीं और जाएंगे, लॉयंस मंगा, हाँ यार मतलब मैंने समझ नहीं आया, खली साहब आप खुद सोचो ना, अरे आईक्यू लेवल नहीं है क्या आप लोगों का, यार वो लड़की पीट पीट के मार दिया आपने, आपका गेस्ट है आप, वो गेस्ट को लेकर हटो ना वहां से अगर कोई बात हो गई है तो, वैसे तो होटल्स में ऐसा कुछ होता नहीं, आप लोग खुद ये करने पे उतार हुआ तो आप होटल्स आप लेते हैं इवेंट के लिए, आप इवेंट अपना कंप्लीट कीजिए, ये थोड़ी किसी को मार के काट कूट के खा जाओगे, स्टेडियम में होती है सर WWE फाइट वगैरह, स्टेडियम लो स्टेडियम स्पोर्ट्स स्टेडियम, शादी ब्याह ठीक है, मीटिंग्स वीटिंग्स ठीक है, मीटिंग के लिए भी नहीं है, चुदाई के लिए भी नहीं मिलता होटल, हाँ गेस्ट आ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं गेस्ट आते हैं, आप लोग रहिए अपने परिवार के साथ, अब ये थोड़ी बंदी घुमाने लाया तू, नहीं नहीं काली पड़े रहने काली करावे, आज 5 दिन का टाइम दे गेस्ट को सबको ऑल ओवर वर्ल्ड में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में, हाँ बोलो सर एक बार रिनोवेशन होनी है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में रिनोवेशन है सब में, कलर वाला ठीक कर, लाइट ठीक कर, देखा मैंने ताज मान सुन बुरा मत मानियो पार्किंग तो ढंग से बना ले यार, आदमी से ज्यादा महंगी गाड़ियां खड़ी होती है वहां, पार्किंग ढंग की बना, जितना सुंदर होटल है उतनी सुंदर पार्किंग होनी चाहिए, बता यार इतनी शानदार मर्सिडीज पार्किंग छूट इनकी कहां खड़ी कर रखी है, पागल हो गए हो, रोल्स रोल्स आए तो वो भी वहीं पे, अब क्या कर रहा है यार वही बगल में देखियो वहां वो मारुति खड़ी भी है वहीं तू रोल्स रॉयस खड़ी कर रहा है, पागल हो तुम सबके सब, लगा पार्किंग में पैसा, ठीक कर पूरी पार्किंग, वैसी मेरे को लाइटिंग चाहिए जैसे 7 स्टार में होती है, तो गाड़ी की मां चोद के रख देते हैं, मैं क्या पार्किंग में देख रहा हूं तो BMW खड़ी मेरी भागी चूत बैठ के लड़ो, आदमी से ज्यादा महंगी है वो, तमीज से पेश आया करो गाड़ियों के साथ, अबे पहले बेस बेस ठीक कर यार, ऊपर बाद में देखेंगे, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स सब जगह पार्किंग ठीक करो,
मार्बल लगा, कुछ भी कर, बीएमडब्ल्यू के मुताबिक होनी चाहिए, रोल्स रॉयस के मुताबिक होनी चाहिए। तो घड़ी कहां है यार, तू देख तो सही, वही बगल में जाकर ड्राइवर मूत रहा है। ये क्या बात हुई यार, नहीं भैया नहीं, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मतलब समझे, वाह ताज पार्किंग टिकर, तुम्हारी 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियां खड़ी होती है, फिर जाफड़ दे दूंगा उल्टे हाथ का कैच के, गाड़ियों की कीमत देख यार, सेगमेंट बना नीचे, बीएमडब्ल्यू के बगल ऐसी स्विफ्ट खड़ी कर रखी है मारुति, 250 ऊपर नहीं लगनी चाहिए, टैक्सी में आया हुआ गैस दूसरी तरफ दूसरे गेट पे भेज, अलग गेट बना, अबे यार मैं आया हुआ हूं ताजमान सिंह में भाई, मुझे उससे पता होता है मेरा होटल है ना, मैं वही तेरी पगड़ी पकड़ के लटक जाता, वही शुरू हो जानी थी, नहीं नहीं बाकी सब ठीक है, फिर कभी विजिट करेंगे, नहीं विजिट क्या करेंगे भाई, तुम आओगे तुम आओगे, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको, भाई तुम आओगे यार, बस तू शुरू कर। हाँ जीएमआर दिया ना, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स आप लो जीएमआर, ठीक करो यार, मजा नहीं आया, क्या खजूर क्या बहच, खजूर और नारियल लगा रखे यार, सऊदी अरब है क्या, अबे सऊदी अरब है क्या, ये इस्लामिक देश है क्या, कुछ खजूर के पेड़ लगा रखे, हटा के कहीं और लगा दे यार, तो क्या बोलूं मैं यार, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो एक्सटीरियर क्या बना रहे हो तुम भाई, उसको निकाल तमीज से, पैक कर, समझ में आई, उसको कहीं और देख लगा के आ, अबे ये भारत है, इट्स डेफिनेटली शुड लुक लाइक इंडियन कल्चर, ताड़ के पेड़ ले आए यार, कितने का आएगा ताड़, बिहार चला जाना, लेके आना ताड़ के पेड़, यार तुम चूतिया हो क्या तुम, मेरे से कह रहे जीएमआर में क्या फसल है, चुन मेरे को लग रहा है सऊदी अरब आगे क्या, ये बैठ गए खजूर के पेड़, कि पागल हो क्या तुम, दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा, कौन था ये गार्डन डिजाइन करने वाला, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में ना नहीं दिखेगा खजूर का पेड़, तो बत्ती बना दूंगा बेटा सबकी, चेक चल बेसमेंट ठीक कर, सारे गाड़ियों पे ना लाइट एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, गेस्ट की गाड़ियां हैं वो, समझ में आई, बोले सर जैसे आपका ख्याल रखेंगे वैसे आपकी गाड़ी का भी, तमीज से, समझ में आ रही है, पार्किंग में लगने के बाद भी ना लिफ्ट पूरी, कुछ पीछे जाने को, पागल हो तुम लोग, गेट के कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया हम मेंटेन करेंगे, बात कर ले एमसीडी से, 1 किलोमीटर का एरिया हमारा, अड़ा सारी मस्जिद है बहन के लौड़ों की, नो डिस्टर्बेंस, हाँ यार नहीं चाहिए भाई, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का बोल, पता करो इंटरपोल और आईसीजे में, बोलो आप होटल का मालिक कौन है, अब
ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का, ताज असेट का मालिक कौन है, असेट का मालिक कौन है? जीएमआर टेक ओवर करो और ठीक करो उसे। तो यार सीढ़ी पे कारपेट ने मैं देख के हमें पहले भी उसने बोला, मैंने उसे ठीक कर, आई सब खड़ी थी, पागल हो गए क्या यार? ताज ग्रुप ऑफ के गार्ड लगा, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के गार्ड लगा, उबर की पार्किंग, उबर की पार्किंग अलग कर, अबे यार तू जानते, अबे यार किंग सलमान है, कल को कोई भी आ सकता है, तुम उसके नाम के आगे किंग लगा हुआ है यार, छोड़ना है यार, हम पहले भैया यहाँ किंग डायनेस्टी है, हम कोई बात नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो उधर पालम पे है सर, नहीं है ना, पालम पे जाओ आप सर, सिंपल है, जीएमआर बात खत्म, T3 उधर, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, किंग डायनेस्टी है, बात खत्म, ताज ग्रुप ऑफ फोटोज के गार्ड लगा वहां पे, आप हटो सर, आप पालम पे जाओ, सीआईएस वगैरह चलिए सर, नहीं नहीं है हमारे पास, है वो भी पुलिस वाले ही हैं सब, चलो जी बिल्कुल चेक करो, हर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे को हम मेंटेन करेंगे, ठीक है जी, वो हमारी जिम्मेवारी है, बात खत्म, समझ में आई, पैसे की कोई चिंता नहीं है, ना कभी थी हमें, समझ में आ रही है, होटल खाली रहने दो, गेस्ट को टाइम दे दो सर, रिपेयरिंग ऑन हो रही है, मेंटेनेंस है, ठीक है ना, चेंज होना है, ओनरशिप चेंज हो गई है, क्या है कि बोलो जी, ओनरशिप चेंज है बस, नहीं प्रेजिडेंशियल स्वीट नहीं मिलता किसी को, नहीं देना किसी को, किंग स्वीट तैयार करो ताज में, किंग व्हाट द फक इज प्रेजिडेंशियल, किंग तैयार करो, किंग्स के लिए होगा वो, नहीं सर बुक करना कर लो फॉरएवर, ऐसा नहीं देते हम, मिलेगा ही नहीं किसी को, बात खत्म, है भैया है मुझे, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, कुछ भी कर पर सोच, दिमाग लगा, दिमाग यूज योर ब्रेन, वैंचर माँ चोद के रख दी पालम में, बोलेगा महिपालपुर से उधर आगे जाओ जी, बहुत तुम सऊदी अरब है क्या भैया, खजूरी खजूरी भैनगढ़ चूतिया हो गया तुम, एक पाम ट्री ले आया सर बहुत महंगा, अबे भैया बात महंगे और सस्ते की नहीं है, नहीं सूट करता हूँ वहाँ के यार एक्सटीरियर में, भारत कहाँ है, सोचना कौन से पेड़ को देखने के बाद भारत दिखता है, बस वो दिमाग लगा ना, वो दिमाग लगा, ठीक है, बाकी मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, बात खत्म, ऑर्डर है तो है, हम मेंटेन करेंगे, बता यार, मतलब अगर 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 किंग सलमान के डायमंड वो लेके नहीं आ रहा है, वो डायमंड वाली मर्सिडीज आएगी तो वहीं खड़ी करेगा उसको, और गेट पर कब तक रखेगा, तो फिर तो यार बात, तुम बात जिसकी कह रहे हो, मैं तुम्हें एक बंदे का नाम बताता हूँ सुनते रहना, मैं तुम्हें एक बंदे का, तुमने सुना भी नहीं होगा इसका नाम, मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर वही बात है, हितेश का नाम सुना तुमने कभी,
है? नहीं बता तुम। हितेश का नाम सुना है? हितेश का पूरा नाम जानते हो? हैं? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश है उसका नाम। और जानते हो कौन है वो? मैं हूं। जीवो यार, तो दिखता है ना, राजस्थान जाओगे ना, राजस्थान जाओगे तो दिखता है कि हाँ यार कल्चर है। तो राजस्थान इज वाई राजस्थान इज फेमस बिकॉज ऑफ कल्चर। वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के टूरिज्म ने वहाँ के कल्चर को नहीं छोड़ा, प्रमोट किया है। तो ड्रामेटिक है। समझ में आ गई? उस चीज को देखो यार, तुम्हारे पास यहाँ 36 स्टेट है इंडिया में, प्रमोटेड, पैसा वहां लगाना है। वो का क्या कैनिबलिज्म है यार, मर सारे के खींच खींच के फेंक दो उठा करके। गेस्ट को टाइम दो सर, ये टाइम है, बुकिंग बंद है सर। ठीक है, अगले आदेश तक ताज में बुकिंग बंद है, बात खत्म। कोई नहीं, स्टाफ क्वार्टर्स भी जो है ठीक करवाओ सारे। ठीक है, परमानेंट स्टाफ क्वार्टर ठीक कराओ सारे, सारे स्टाफ क्वार्टर अपग्रेड करो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के स्टाफ क्वार्टर सब ठीक करो। हैं? जीएमआर के भी स्टाफ क्वार्टर तैयार करा। और सीएसएमवीडीए का क्या? मैंने कई बार पूछ लिया, काम तो ठीक है, स्टाफ क्वार्टर भी ढंग के बनाने हैं तरीके से। हाँ, वो देख लिए मैंने। हाँ ठीक है, कैनिबलिज्म नहीं चलता ये सब। हाँ तो ले दे ना, ले दे, क्या हो गया उसमें? कोई भी हो यार भाई, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का कुछ नियम है, इट्स स्पेशली फॉर किंग्स डायनेस्टी। नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सर, वहाँ स्टार 7 स्टार 11 स्टार नहीं लिखा जाता सर, ताज है सर ये, आप ताज में आए हैं सर, वो आप छोड़ दीजिए। समझ में आई? नहीं, हम ये फालतू बकवास नहीं सुनते। ठीक है, एक गेट अलग बना दिया कर सर, इधर से इधर ऐसे सर प्लीज। उधर ले आके लॉक, उधर से पीछे और पीछे से गाड़ी में डाल, बाहर छोड़ के आ जा। श्योर नहीं? बस वो छोड़ना, क्राउन प्लाजा व्लाजा ये सब नहीं चलता यार। क्राउन प्लाजा तो बनाया ऐसी जगह पे है ना। उसका साइनेज देखा क्राउन प्लाजा का? क्राउन प्लाजा का साइनेज देखा है? तो साइनेज को देख के ही लग रहा था सही ढक्कन बंदे का है किसी। मैं नहीं जानता किसने बनाया साइनेज, गोल का डब्बा मेरी बैड की जो बिल्डिंग है, मैट वो लगा देता है ना, ब्रॉस लेटर लगा देता है, लौड़े का क्राउन प्लाजा नाम ही नाम है। मौर्य अशोक का मैच बड़ा जबरदस्त है, देखा है? मौर्य अशोक, मौर्य शेरेटन में गए हो? मौर्य शेरेटन गया हूँ मैं, अशोका में भी गया हूँ, सम्राट में भी गया हूँ, मौर्य भी गए, सम्राट भी गजब है अंदर से, बहुत डिसेंट है सम्राट और अशोका, मतलब वैसा नहीं बट डिसेंसी जो है ना, इट्स वेरी क्यूट सम्राट और अशोका में। सारे देख के दिमाग की बात चल गई, ओखला में जो है क्राउन प्लाजा है, वो चैनल लेटर नहीं, वो क्या कहते हैं बॉक्स वाला डब्बा लगा रखा है विनाइल का, ठीक है? चुप तुम्हारी, तुमने पैसा कमा लिया बेटा, घंटा मेरा
नहीं नहीं हम तो टेक ओवर करेंगे, ताज में कन्वर्ट कर देंगे, देख लेंगे, देख लेंगे ना आर्किटेक्ट क्या है, मतलब आर्किटेक्चर क्या है अंदर। क्राउन प्लाजा ओखला वाले की साइनेज देख के नहीं लगता लड़ो भाई, अचनबीर तो छह नहीं हो रही जाने की। हाँ हाँ घंटा आसपास का मेंटेन ही नहीं किया भाई, की जूत उठ के बस की नहीं है, मेंटेन ही नहीं करा। छोड़ना अबे मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया, ग्राउंड प्लाजा वालों ने जमीन मिल गई होगी दस एकड़ भी कहाँ होगी, फटाफट एक बिल्डिंग बना दी 5-star होटल बनाने के 7-star बनाने के चक्कर में, अबे कम से कम भी 100 acres जमीन खरीद उसके बीच में बना, मैं वहां बनाऊंगा बारादारी में और जहाँ ये है ना 7-star बना 11-star बनाएंगे, जहां जहां जमीन खरीदी है एक यहां पे बना देंगे, क्या देखते हैं सम्राट बनाएंगे, सम्राट भी अच्छा है यार, सम्राट की एंट्री भी ठीक है, गया हूं आसपास लोकेशन गजब है यार, वही तो है मौर्य शेरटन चंद्रगुप्त मौर्य उनका है वो। मोदी खरीदना चाह रहा था बाकी चुनाव के लड़े जीशो की। मौर्य शेरटन खरीदना चाह रहा था। अच्छा जी बेच कौन रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य चा से चंद्रगुप्त। अबे मैं ही हूं भाई, वन मैन, हर बार मैं ही आता और भाई ढंग से बजाता हूं इनको। शेरटन को फिल्म एक्ट्रेस आ गई थी, अच्छा उसका है। अच्छा जी हाँ एक लड़की आई तो थी ना कोई शेरटन ना, अच्छा इसका नाम ऐश्वर्या है तो ये ताज खरीद सकती है। अच्छा जी एक मजेदार चीज दिखाओ, इतना बड़ा नाम है ऐश्वर्य तूने कभी लिखा अपने हाथ से, वो देख रही है ऊपर तक क्या लिखा है, सुधर जाओ ना तो हितेश मंडल, देख साफ लिखा हुआ है सुधर जाओ ना तो हितेश मंडल, ऊपर ना तो लिखा हुआ है ना तो मारेगा बहुत विनय रावल मुझे ले आ रहा 5-star होटल की डील। अच्छा जी उड़ीसा का बीजू पटनायक कौन सा होटल है भैया, पटनायक कौन थे भाई, वर्ल्ड में कुछ एक ही लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, सम्राट अशोक का नाम सुना है, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं तो साझा फिर आ गया फिर से मेड लगा चाप फिर से आ गया, कह रहे इसका असली नाम क्या है, कह रहे गुप्त है एकदम ठीक है, और ये कह रहे गुप्ता है, किसने बनाया, कह रहे गुप्त ने बनाया चंद्रगुप्त।
कह रहे इसका कोई एक नाम ऐसा बता जो आज जो है फीड में ना आया हो। अबे चा से चंद्रगुप्त दरबार में पहुंचे, सुनता सही दरबार में पहुंचे, पहले गंगा गया नहाने के लिए, बाल बाल सब उस तरह कर कर आ करके एकदम जो है ना लंबी सी टीक रख ली, जाकर के पहुंचे वो पहचान नहीं पा रहे, दाढ़ी वाड़ी एकदम साफ दिखे, कौन है मैं जी चाणक्य। तो भैया चंद्रगुप्त भी मैं ही हूँ, चाणक्य भी मैं ही हूँ। नहीं नहीं वो अलग है, उसका लुक अलग, सम्राट का ना, सम्राट का लुक इंटरनल अलग, इंटीरियर ना, इंटीरियर अलग। अच्छा उसका नाम लक्ष्मी है तो वो होटल खरीद लेगी। इनको बोल जीशों को तुम पागल लोग हो यार। वाह वाह इसराइल में जा, इसराइल जा यार, मार मुड़ देंगे भारत। रतन टाटा क्या, अच्छा ताज हमले, ताज पे हमला कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद जब पीपा पार्टी चल रही थी, रियलिटी यही हो, ताज हमला नहीं था, असल में पिप्पा पार्टी थी, समझ में आई। अच्छा लगा दे शीशा लगा के ताज में रख दे एंट्रेंस के वहां पे लॉन बना दे, क्या देखते थे। मैरियो टूरिट नहीं पता, वो बना दिए होंगे बिल्डर बिल्डर ने। मैं नहीं जानता, मैं तो हमारे शहर हमारे अच्छा ये। नहीं नहीं ताज और मौर्य ऑलमोस्ट देखने में वैसे ही है, लगे हुए तो ये दोनों साथ साथ ही थे। अच्छा बिल्डर ने बनाया तो बिल्डर कह रहा उसका है, है? बोलो बाहर एक पिलर गड़वा दूं, उसी के नीचे डाल दूंगा वे, बिल्डर है सिर्फ तू, बनाने का काम है तेरा, बिल्डिंग चल निकल। पालतू पालतू नहीं, वही क्या आम्रपाली वाला क्या कह रहा है, हैं कुछ कह रहा है, छोड़ो वी विल हायर समवन एल्स। ओह ये कोई बात नहीं हुई यार, अबे चलाटे इंडिया में तो इंडिया का बिल्डर भाग गया से, ये स्वदेशी आंदोलन आरएसएस में जाके चला। स्वदेशी आंदोलन आरएसएस में चल, हाँ वहां जाओ।
क्या बात हो गई। मैं ताज ग्रुप ऑफ फोटोज को ईमेल भेजता हूँ, देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है तुम्हारे डिपार्टमेंट का। कानून हो बाढ़ में जाए बिक्री कर विभाग और तुम्हारा हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट बाढ़ में जाए, ये ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है। गवर्नमेंट की कीमत बोल, अपनी गवर्नमेंट की कीमत बोल, हमने सुनते कुछ। हाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, आ देख ली वीडियो मैंने, वो लड़की वो दोनों वो बाला क्रॉस उसके नीचे से निकल गई। टक 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 कर रही हो वीडियो के, उसके लिए वही है। इसीलिए तो पिट रहे हैं ये, फोटोज की बीआई वाले फॉलो द ऑर्डर्स अल्बर्ट, हमें पता ना क्या खेल है। अच्छा मुझे कह रही है माँ के लोड़े मुंह में बाला डाल के तेरी गांड से निकलवा दूंगा। अच्छा ये टीआईसी वाला कह रहे हो क्या, बॉबी कुरियन बिज्जू? अच्छा ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में किस लिए? नहीं हम नहीं देते ना बुकिंग, पर्सनल है हमारा, हमारी मर्जी। नहीं तो जा बोल दे इस मर्जी को,
जब बोल दे जिस मर्जी को। वो नैप वाले हैं ये? अच्छा समझ गया। अच्छा 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 हो सकता है, हो सकता है। मना कर दे मरियम नवाज की बुकिंग हो चाहे किसी की हो, चला मरियम नवाज की रखी हुई है, जानता हूँ उसे। और मैडम ऐश्वर्या राय जी कपड़े पसंद आए? मैंने कहा था ना तुम मेरे से ऐसे ही पंगे लेते रहो, इनको मैं बढ़िया वाले कपड़े पहनाऊंगा। अब अच्छा हो गया, ठीक है। चल ठीक है, करा काम पूरा करा।